व्हाट इज अप गाइस, माय नेम इज सौरभ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी ऐप। बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग ऐप के बारे में जिसका नाम है जूम। ओके, हम इस ऐप के जरिए एक वीडियो कॉल कर सकते हैं। किसको? क्या हम एक स्टूडेंट को कर सकते हैं? बेसिकली ये हम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली वीडियो कॉल। ओके, फॉर एग्जांपल हमें कोई मीटिंग अटेंड करनी हो तो उस मीटिंग के अंदर जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो उन सबको हम इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक ऑनलाइन लेक्चर क्लासरूम के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इसमें एज यूजुअल हमें पहले क्या करना होगा, लॉगिन करने के बाद जूम का जो एक फीचर है कि मैक्सिमम कितने पार्टिसिपेंट्स को ये अलाउड करता है एक मीटिंग के अंदर, सो वो 1000 है। ओके, उसके अंदर 49 स्क्रीन को हम शेयर कर सकते हैं एक टाइम के अंदर। ओके, तो इसमें हमें सिंपली दो ऑप्शन मिलते हैं। ओके, या तो हम एक मीटिंग को क्रिएट कर सकते हैं या एक मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो पहले हम देखते हैं किस तरीके से हम एक मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, सिंपली हमें यहाँ पे एंटर करनी होगी मीटिंग की आईडी। ओके, सिंपली हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब हम मीटिंग को ज्वाइन करेंगे तो उस टाइम पे हमारी जो वीडियो है या ऑडियो वो ऑन होगा या ऑफ होगा। ओके, सो यहाँ पे मीटिंग की हम आईडी लिखेंगे और सिंपली ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब देखते हैं हम न्यू मीटिंग को क्रिएट कैसे करें। अब जैसे न्यू मीटिंग को क्रिएट करेंगे तो हम कह रहे हैं कि ये हमारी वीडियो ऑन होगी या ऑफ। इसमें कह रहे हैं कि हम अपनी वीडियो को ऑफ रखेंगे, मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो जैसे हमने इस मीटिंग को स्टार्ट किया तो ये दिखा रहा है कनेक्टिंग। ओके, सो ये कनेक्ट हो रहा है वीडियो कॉल को। सो ये देखते हैं हम कुछ टाइम के बाद ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी वीडियो कॉल। सो उसके बाद हम एक्सप्लोर करते हैं इसके कुछ और फीचर्स कि किस तरीके से हम एक मीटिंग को स्टार्ट करने के बाद उसको इनवाइट कर सकते हैं। ओके, तो ये अपना लोगो टैप टू स्पीक सिंपली। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ओके, जैसे म्यूट का ऑप्शन है, म्यूट करेंगे, स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे हम। ओके, शेयर का ऑप्शन है, ओके, शेयर कर देंगे। और ऑप्शन है पार्टिसिपेंट्स कितने हैं इसके अंदर, तो उसको हम देख सकते हैं। सेकंड थिंग चैट, ऑडियो मीटिंग सेटिंग को देख लेते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, स्क्रीन को कैसे कर सकते हैं शेयर। ओके, अगर स्क्रीन को शेयर करना तो सिंपली हम यहाँ पे जाके करेंगे शेयर स्क्रीन, यहाँ से हम कर सकते हैं स्क्रीन को शेयर डायरेक्टली। सो ये अपनी मीटिंग आईडी, होस्ट और पासवर्ड। ओके, सिंपली अगर हमें क्या करना हो, किसी को इनवाइट करना हो उस मीटिंग के अंदर, सो हम इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करेंगे, इनवाइट पे क्लिक करेंगे और इसको सिंपली हम इनवाइट लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं और एज ए मेल और मैसेज हम सेंड भी कर सकते हैं। तो हम इस मीटिंग को एंड करेंगे, एंड बटन पे क्लिक करके एंड मीटिंग फॉर ऑल। ओके, हमने इसको एंड किया। एंड करने के बाद हम शेड्यूल भी कर सकते हैं एक मीटिंग को। ओके, किसी भी जैसे कि टाइम के अंदर फ्रॉम टाइम करने के बाद हम शेड्यूल कर सकते हैं एक मीटिंग को, स्क्रीन को भी क्लियर कर सकते हैं एक मीटिंग के दौरान। ओके, मीटिंग कॉन्टैक्ट सेटिंग्स इसकी क्या क्या है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप अगर इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।